आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। कैलाश खेर की आवाज़ बड़ी जादुई है, बड़ा अच्छा वो गाते हैं और उनके जो गाने हैं वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। उनके गाने का अंदाज़ बड़ा निराला है। कैलाश खेर बहुतों की पसंद हो सकते हैं, साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से, खासतौर से बीजेपी की तरफ से जो इवेंट होते हैं उसमें कई बार आपने बड़े बड़े मौक़ों पर कैलाश खेर को गाते हुए, लोगों को एकदम झूमने के लिए मजबूर करते हुए देखते हुए नज़र आए होंगे कैलाश खेर। लेकिन एक वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर नज़र आया है, लखनऊ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ पर खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक आयोजन रखा गया था और इस आयोजन में पहुँचे थे कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए, यानी कि वहाँ पर अपने गाने को लेकर लोगों के बीच में पहुँचे थे। अब गाना तो यहाँ पर गाते, लेकिन कैलाश खेर के हाथ में माइक है लेकिन वो गाना नहीं गा रहे हैं। पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो इनफैक्ट पहली बार कैलाश खेर को इस तरह से गुस्सा करते हुए देख रही हूँ, वो भी माइक हाथ में लेकर। वहाँ पर जो इवेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनको फटकार लगाते हुए नजर आए, यानी कि जो आयोजक थे यहाँ इस कार्यक्रम के उन्हें फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरा तमीज से बात करो, जरा तमीज सीखो। वो ये भी कह रहे हैं कि होशियारी झाड़ रहे हो मेरे सामने, आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा हूँ। दरअसल यहाँ पर जो आयोजन था उसमें मैनेजमेंट को लेकर बड़ी नाराज़गी थी, वहाँ पर चीज़ें उस तरीके से व्यवस्थित थी नहीं। और कैलाश खेर का कहना यह है कि एक घंटे से वेट करवाया गया उन्हें, यानी कि कैलाश खेर को एक घंटे तक वेट करना पड़ा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन में कैलाश खेर पहुँचे हुए थे, लखनऊ का ये वीडियो बताया जा रहा है। कैलाश खेर के गाने, कैलाश खेर के एल्बम्स, कैलाश खेर के स्टेज परफॉर्मेंस आपने आज तक बहुत देखे होंगे, मैंने भी बहुत देखे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, कैलाश खेर की आवाज़ में गाए हुए गीत बड़े पसंद आते हैं, लेकिन कैलाश खेर का ये झड़कने वाला अंदाज़, यानी कि सामने वाले की क्लास कैसे लगा दी, ये अंदाज़ आप भी देखिए। और कैलाश खेर को ऐसे डांटते फटकारते हुए देख कर आपके जहन में ख्याल क्या आया, कैसे ही क्लास लगनी चाहिए? लापरवाह जो जिम्मेदार लोग हैं, जब लापरवाही दिखाएं तो ऐसा उनके साथ होना चाहिए क्या, बताइएगा। प्रधानमंत्री जी के नवरत्न हैं हम, समझना, तमीज सीखो। एक घंटा हमको इंतजार कराया, उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या है ये खेलो इंडिया? खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं, घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे इस दुनिया में। तमीज सीखो, होशियारी झाड़ रहे हो। कोई किसी को काम करना आता नहीं, अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सर, गाने भी नहीं दे रहे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ओहो।